अमित शाह जी ने 3 दिन के बंगाल दौरे पे हैं और उन्होंने बोला है कि बंगाल में आने वाले समय में उनकी सरकार होगी और 28% वोट बीजेपी वहाँ ले पाई है बंगाल में। वहीं विपक्ष में लेफ्ट और कांग्रेस की स्थिति काफ़ी नवीन है, वर्तमान में ममता सरकार है। क्या कहिए, सपने देखने का हक हर व्यक्ति को है। अमित शाह जी सपने देख रहे हैं, अमित शाह जी का ये स्वप्न कभी ना पूरा होगा ना हो सकता है। बंगाल की जनता देख रही है किस तरह सांप्रदायिकता का, धर्म की राजनीति करने का जहर अमित शाह और उनके नेता बंगाल में फैला रहे हैं, और 28% तो दूर, उन्हें ये अब बचाना पड़ेगा कि 1% या 2% उनको वोट मिल जाए, ये इस बात की भी बहुत बड़ी गनीमत होगी। जिस ढंग से प्रधानमंत्री के ऊपर वहाँ बंगाल में कल स्वामी विवेकानंद को लेकर के प्रसारण पे बंगाल सरकार ने रोक लगाया, कांग्रेस सरकार में ऐसा कुछ पहले नहीं हुआ था, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखती है। हर नेता, हर राजनेता, हर प्रधानमंत्री को अपनी बात कहना हक है, पर एक बात कहना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को आज अपनी ही कड़वी दवाई का असर महसूस हो रहा है। वो जिस प्रकार नेताओं, राजनीतिक दलों की आवाज़ बंद करते हैं, उन्हें आज कोई हक नहीं कि लोकतंत्र मूल्य या लोकतंत्र के से जुड़े जो नियम हैं उन पर कोई भी टिप्पणी करें। स्मृति ईरानी जिस ढंग से आपके उपाध्यक्ष के कटाक्ष की है, उसको आप किस तरह? स्मृति ईरानी जी 2 लोकसभा के चुनाव हार चुकी हैं। पहले वो राहुल गांधी जी को चुनाव में हरा के दिखाएं, एक बार हार चुकी हैं, फिर राजनीतिक पैंतरे, राजनीतिक रणनीति पे कोई टिप्पणी करें, उससे पहले ये बातें सब स्मृति ईरानी जी कर रही हैं, वो जुमलाबाजी हैं और उनको मुबारक।